हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल आरपी टेक पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप के बारे में बात करने वाले हैं। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो बहुत किसी को नहीं मालूम है, और उस प्रॉब्लम की वजह से वो अपना फोटोशॉप डिलीट कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं, फिर से इंस्टॉल उनको करना पड़ता है, तब उनका प्रॉब्लम सोल्यूशन होता है। तो इस वीडियो में बताएंगे आप बिना अनइंस्टॉल किए, बिना फोटोशॉप डिलीट किए ही वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कर पाएंगे आसानी से कुछ ही मिनटों में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे चैनल में न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल सके। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये फोटोशॉप का पिक है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में एक टूल्स है, और ये साइड में आपका तीन चार टूल्स देखने को मिलेगा ये फोटोशॉप में रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर में एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इसमें ऑटो सेलेक्ट लेयर, शो बाउंडिंग बॉक्स, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे रहता है। उसके बाद नीचे एक स्टेटस बार रहता है यहाँ पे, ये छोटा सा आप स्टेटस बार है। तो ये सारा में से किसी कोई भी आपका अगर डिलीट हो जाता है, जैसे कि ये ऊपर ऑप्शन ये डिलीट हो जाता है कभी किसी के वजह से, या फिर ये डिलीट हो जाता है, या ये जो टूल्स है साइड में ये टूल्स डिलीट हो जाते हैं या स्टेटस बार डिलीट हो जाते हैं, तो आप आसानी से इसी फोटोशॉप में आप इसको फिर रिकवर कर सकते हैं, फिर से ला सकते हैं। ऐसा ऑप्शन दोस्तों इस फोटोशॉप में है। आप सोचेंगे कि ये डिलीट हो गया तो मेरा फोटोशॉप खराब हो गया, आप फोटोशॉप को डिलीट करेंगे फिर से इंस्टॉल करेंगे, वो करने की जरूरत आपको नहीं है। आपको इसमें हम बताएंगे, आप आसानी से आप इसको ला सकते हैं। फोटोशॉप में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है, ये पूरा ब्लैंक है। यहाँ पे देख सकते हैं ना ही स्टेटस बार है, ना ही ऑप्शन है, ना ही कोई टूल्स है। तो दोस्तों इसको लाने के लिए आपको ऊपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन को देखने को मिलेगा, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडोज। तो आपको यहाँ पे विंडोज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही विंडोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन का लिस्ट पूरा मिलेगा। आप यहाँ पे सबसे नीचे आप देख सकते हैं स्टेटस बार है, तो आपको ये स्टेटस बार पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा स्टेटस बार यहाँ पे शो कर गया है। उसके बाद आपको फिर से विंडोज पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में आपका ऑप्शन आ गया, विड्थ, हाइट, रिजोल्यूशन, पिक्सल इंच, ये सारा चीज, ये ऑप्शन आपको आ गया है। अब आपका यहाँ पे टूल्स को लाना है, तो आप फिर से विंडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टूल्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप टूल्स पे क्लिक करें देख सकते हैं यहाँ पे आपका टूल्स यहाँ पे आ गया है, ये टूल्स यहाँ पे शो कर गया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे साइड टूल्स को भी, राइट साइड टूल्स को भी आपको लाना है। फिर यहाँ पे विंडो पे क्लिक करेंगे तो आप सबसे पहले यहाँ पे नेविगेटर पे क्लिक करेंगे, आपका नेविगेटर आ जाएगा। जो भी आपको सबसे ऊपर रखना है वो आपको सबसे पहले क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप कलर्स पे क्लिक करेंगे, कलर्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कलर्स आ जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप हिस्ट्री पे क्लिक किया तो यहाँ पे हिस्ट्री का ये टूल्स आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेयर्स पे क्लिक करना है, जैसे लेयर्स पे क्लिक यहाँ देख सकते हैं लेयर्स पे आ गया। तो दोस्तों एक फोटोशॉप में इतना सारा टूल्स डिफॉल्ट रहता है जो कि जनरल यूज में आता है, तो ये सारा चीज अगर आपको किसी वजह से आपको डिलीट हो जाता है, यहाँ से यहाँ कट हो जाता है, तो आप यहाँ पे इसको वापस फिर ला सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कितनी आसानी से ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन बहुत किसी को समझ नहीं आता है, वो नहीं जानते हैं, तो वो अपना फोटोशॉप को डिलीट कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं और फिर से इंस्टॉल करते हैं, तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बता दिए कि आप इसी फोटोशॉप में अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपके साथ होता है तो आप आसानी से इसको सोल्यूशन अप कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।